और जो बात करें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की, आपको देखिए यहाँ पर जो है डिंडोरी जिले के बजाग विकास खंड के ग्राम तरच में बनाए गए चेक पोस्ट में यहाँ पर वाहन चालकों से अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है, जहाँ पर वाहन चालक ने यहाँ पर चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों पर आरोप लगाते हुए बताया उन्हें वाहन चेक पोस्ट से यहाँ पर निकालने की एवज में यहाँ पर हर चक्कर में 800 से लेकर 1500 रुपए देने पड़ते हैं, जिसका उनको रसीद भी नहीं दी जा रही है। और आपको देखिए यहाँ पर जो है तरच गांव में यहाँ पर बनी चेक पोस्ट की यहाँ पर शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। दस्तावेज मांगे, पैसा मांगे, कितने पैसे? एक महीने के लिए 7,000 है, उस चक्कर के लिए 700 रुपये। हर चक्कर के लिए 700 रुपये हाँ देना पड़ता है। हाँ किस बेस पे मांगते हैं आपको? जैसे पैसे लेते हैं तो आपको कोई रिसिप्ट देते हैं? कुछ भी नहीं देते, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जाओ हो गया, गेट पास अपने में दर्ज करते हैं, हो गया बस। तो कैसे लेते हैं पैसे वो? पैसे खिड़की से, तो जो पैसा लेता खिड़कियों है क्या आप उनके चेहरा जानते हैं? आप कौन लेता है, से अधिकारी है या कोई कर्मचारी है? हम नहीं जानते हैं, अंदर बैठा रहता है, वो पैसा ले लेता है बस, खिड़की में हाथ पकड़ के सीधे पकड़ लेता है, हो गया। अब कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो बड़ौदा बाजार से। अभी हाँ रास्ते में चेक पोस्ट पड़ा है सरच में, हाँ वहाँ कौन कौन से आपके कागजात चेक हुए, क्या बोला के छोड़ा गया आपको? जब फाइल मंगाते हैं देखते हैं ऐसा, और 800 रुपये वो 700 रुपया 14 चक्का का चक्कर में लेते हैं,